नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस भक्ति यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट्स। तो गाइस, आज भी हम इसी तरह एक नए रिक्रूटमेंट की बात करने वाले हैं और वो रिक्रूटमेंट है पीएमसी रिक्रूटमेंट 2021। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे पुणे महानगर पालिका रिक्रूटमेंट 2021 के बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पर टीचर्स के लिए ये वैकेंसी निकल के आई है, तो यहाँ पर टोटल 214 वैकेंसी है। तो किस तरह से यहाँ पर आपका अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स कौन से चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए, वो आगे हम इस वीडियो में देखने वाले। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी निकल के आई है 6 मंथ्स के लिए, और यहाँ पर जो आपको पे स्केल दिया जाएगा पर मंथ वो रहेगा 12,000 रुपये। तो आगे आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पर आपको अप्लाई करना है इस पोस्ट को, तो उसकी इन्फॉर्मेशन आगे देखते हैं। उसके पहले देख लेते हैं यहाँ पर कितनी पोस्ट निकल के आई है। तो यहाँ पर टोटल 214 वैकेंसी निकल के आई है, और यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी आप देख पा रहे हो। तो गाइस, बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर इन्होंने कंपलसरी बताया है कि आपकी जो डीएड की डिग्री रहेंगी वो इंग्लिश मीडियम में कम्प्लीट रहना चाहिए, और आप टीईटी एग्जामिनेशन पास रहना चाहिए, और जो उसके पहले आपने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक की पढ़ाई की है वो इंग्लिश में भी है तो भी चल जाएंगी, या फिर मराठी में आपने करी है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन आपकी जो डीएड की डिग्री है वो इंग्लिश मीडियम में से पास रहना बहुत ज़रूरी है, और टीईटी एग्ज़ाम आप पास रहना चाहिए। तो उसी तरह यहाँ पर आपको बता दिया गया है कि आपको कितने परसेंटेज रहना चाहिए, तो 10th में 12th में और डीएड में और टीईटी एग्जामिनेशन में। तो इस तरह से आपको टोटल यहाँ पर 50 मार्क्स रहना चाहिए, और उसी के बेस पर आप यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। तो गाइस, बात करते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको एप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। सबसे पहले इस नोटिफिकेशन की आपको पीडीएफ निकाल लेना है, और उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको फिलअप करना है, और पूरी तरह से फिलअप करने के बाद आपको दिए गए इस एड्रेस पर, जो कि यहाँ पर दिया है पुणे महानगर पालिका कार्यालय भाऊसाहेब शिरोडे भवन जूना तोपखाना शिवाजी नगर पुणे, तो इस एड्रेस पर आप देख पा रहे हो, इस एड्रेस पर जाके आपको इस एप्लीकेशन को दे देना है। और साथ ही साथ जब आप यहाँ पर जाओगे तब आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और उनकी जेरोक्स कॉपीज आपको लेकर जाना है अटैच करके, और उसके बाद में और जो डेट रहने वाली है वो यहाँ पर दी गई है कि 16 तारीख तक आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, और आपका जो टाइमिंग रहेगा जब आपको जाना है वो है 11 से लेकर 2 बजे तक आप यहाँ पर जा सकते हो, और आपको हॉलीडेज के दिन यहाँ पर जाना नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। आगे बात करते हैं कुछ टर्म्स और कंडीशंस के बारे में। तो यहाँ पर आपको टर्म्स और कंडीशंस दी गई है, तो यहाँ पर एज लिमिट बता दिया गया है, तो 18 से 38 ईयर्स तक के कैंडिडेट इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, और यहाँ पर SC/ST कैटेगरी को 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC कैटेगरी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। और यहाँ पर इन्होंने बताया कि आप जब एप्लीकेशन करोगे तब आपको आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट यहाँ पर लेकर जाना है, और साथ ही साथ आपको यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी लेकर जाना है, और मैरिड फीमेल को उनका मैरिड सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लेकर जाना है जब यहाँ पर अप्लाई करोगे तब। तो गाइस, यहाँ पर इन्होंने 4th नंबर के पॉइंट में एक नोट दी है, बताया है कि उम्मीदवारा ने निवड़ झाल्यावर 1 महिन्याच्या मानधन इतकी रक्कम ₹12,000 आपको यहाँ पर सेवा अनामत म्हणून महानगरपालिकेच्या कोषागारात जमा करणे आवश्यक आहे, जैसे ही आपका सिलेक्शन यहाँ पर हो जाता है तब। और उसी के बाद में यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि यहाँ पर आपको पूरी तरह से इस फॉर्म को फिलअप कर लेना है, और इनकम्प्लीट फॉर्म फिलअप करते हो तो आपका फॉर्म यहाँ पर लिया नहीं जाएगा। तो पूरी तरह से आपको फिलअप करके और आपके डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर उसे अटैच करके आपको यहाँ पर दे देना है, और उसके बाद में आपका यहाँ पर आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी देना पड़ेगा, क्योंकि उसी पर से आपको सभी अपडेट्स यहाँ पर मिलेंगे। तो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपको देना है, आपको पोस्ट के द्वारा कुरियर के द्वारा यहाँ पर इन्फॉर्मेशन नहीं आने वाली है, तो आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा और ईमेल एड्रेस देना पड़ेगा। उस पर से आपको आपका यदि सिलेक्शन हो जाता है तो आपको मैसेज आ जाएगा या फिर फ़ोन आ जाएगा। और गाइस, साथ ही साथ आपको आपके एप्लीकेशन के साथ यहाँ पर मैंने जैसे कि बताया कास्ट सर्टिफिकेट और आपके सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको और उनकी जेरोक्स कॉपीज़ आपको यहाँ पर अटैच करनी पड़ेगी, क्योंकि आपका वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है इसके लिए। तो गाइस, ये नोटिफिकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर से जुड़े रह सकते हो, और इस नोटिफिकेशन को भी आप डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो जरूर से इस नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने आपकी थोड़ी बहुत हेल्प कर दूंगी इस वीडियो के माध्यम से, तो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपके सभी दोस्तों को शेयर करिए,
ताकि उन्हें भी इस रिक्रूटमेंट के बारे में पता चले, तो जरूर से शेयर करते जाइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोज यहाँ पर मिलते रहे। तो जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।